फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम यहाँ हरियाणा जीके शुरू कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध विद्वान यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अभीरियाणा, ऑप्शन बी आर्याणा, ऑप्शन सी हरियाल, ऑप्शन डी रज हरियाणी। सो राइट आंसर इज हरियाल, अभीरियाणा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा के लिए अभीरियाणा शब्द का यूज़ किया है और डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा के लिए आर्याणा शब्द का यूज़ किया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का कौन सा प्रदेश शीशवाल सभ्यता का केंद्र था? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, भिवानी। तो सो राइट आंसर इज हिसार। शीशवाल में 1970 में सूरज भान द्वारा शीशवाल की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इकदार किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी नौरंगाबाद। सो राइट आंसर इज फतेहाबाद। जींद का पुराना नाम है जयंतपुरी, सोनीपत को सोनप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? ऑप्शन ए राजा रामशास्त्री, ऑप्शन बी उदय भानुहंस, ऑप्शन सी चौरंगीनाथ, ऑप्शन डी मीर जाफर जट्ठाली। सो राइट आंसर इज उदय भानुहंस। फर्स्ट उपन्यासकार है राजा राम शास्त्री, फर्स्ट हिंदी साहित्यकार है चौरंगीनाथ, फर्स्ट हास्य व्यंग्य कवि है मीर जाफर जट्ठाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोटला झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी नूह, ऑप्शन सी झज्जर, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। सो राइट आंसर इज नूह। फतेहाबाद में आपकी चिल्ली झील है, झज्जर में है भिंडावास झील और कुरुक्षेत्र में है बीबीपुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? ऑप्शन ए दोमट मृदा, ऑप्शन बी भारी मृदा, ऑप्शन सी हल्की मृदा, ऑप्शन डी अति हल्की मृदा। सो राइट आंसर इज अति हल्की मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1526 को, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1526 को, सी 21 अप्रैल 1526 को, डी 17 मार्च 1526 को। सो राइट आंसर इज 21 अप्रैल 1526 को। और ये पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था जिसमें बाबर जीता था। और हमारा सेकंड युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, ये अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था जिसमें अकबर जीता था। और थर्ड युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था जिसमें अहमद शाह जीता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में हरियाणा में 23 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बलिदान दिवस, ऑप्शन बी शहीदी दिवस, ऑप्शन सी त्याग दिवस, ऑप्शन डी अधिकार दिवस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी शहीदी दिवस। राव तुलाराम की जो मृत्यु है वो 23 सितंबर को ही थी,
काबुल में, और इसी दिन से हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए सूरज कुंड, ऑप्शन बी हथनी कुंड, ऑप्शन सी ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन डी ज्योतिष। सो राइट आंसर इज ब्रह्म सरोवर। सूरज कुंड झील फरीदाबाद में है, ये सूरजपाल तोमर द्वारा बनाई गई। हथनी कुंड यमुनानगर में है, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छेलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी सिरसा। सो राइट आंसर इज कुरुक्षेत्र। झज्जर में है भिंडावास और खापड़वास, खप्परवास भी बोलते हैं। पंचकुला में है खोली रेतान और बीर शिकारगढ़, और सिरसा में है आपका अबूब शहर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन डी सी चावल, ऑप्शन डी सरसों। सो राइट आंसर इज सी चावल। खरीफ की फसल में क्या क्या होता है? मक्का, चावल, बाजरा, ज्वार, और रबी की फसल है गेहूं, कपास, जौ, चना, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 90। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 5 है राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDRI राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी पंचकुला। सो राइट आंसर इज करनाल। NDRI इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में बंगलुरु में, और 1955 में इसे करनाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट अवस्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी पंचकुला। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये 2012 में झज्जर में इस्टेब्लिश हुई थी, एक कोयला आधारित संयंत्र है, और इसके क्षमता 1320 मेगा वोट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार में, ऑप्शन बी फतेहाबाद में, ऑप्शन सी कैथल में, ऑप्शन डी पानीपत में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैथल में। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। ये 1236 में दिल्ली की शासिका बनी और 1240 में कैथल के पास रजिया और उसके पति अल्तुनिया का कत्ल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH9, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH54, ऑप्शन डी NH48। सो राइट आंसर इज NH9। ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा है आपका NH54।
इसकी लंबाई है 5 किलोमीटर और NH9 की लंबाई है आपकी 286 किलोमीटर, सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मेवात में, ऑप्शन बी रेवाड़ी में, ऑप्शन सी गुड़गांव में और ऑप्शन डी फरीदाबाद में। सो राइट आंसर इज गुरुग्राम। और हरियाणा में ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर पूछे तो वो आपके रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सो राइट आंसर इज बलबन। ये गोपालगिरी का दुर्ग ये गुड़गांव में है, वो बलबन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा नृत्य होली त्यौहार से 15 दिन पहले किया जाता है? ऑप्शन ए फाग नृत्य, ऑप्शन बी खेड़ा नृत्य, ऑप्शन सी लूर नृत्य और ऑप्शन डी छड़ी नृत्य। सो राइट आंसर इज लूर नृत्य। फाग नृत्य नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और महिलाएं और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। और आपका जो खेड़ा नृत्य है यह शोक या गम में किया जाता है। छड़ी नृत्य यह गुगा पीर की पूजा के लिए किया जाता है, जो भादो मास की नवमी को गुगा पीर होती है ना, उसमें छड़ी नृत्य किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वर्तमान में हरियाणा में परिवहन मंत्री कौन है? ऑप्शन ए रंजीत सिंह, ऑप्शन बी अनिल विज, ऑप्शन सी कंवर पाल गुर्जर, ऑप्शन डी मूलचंद शर्मा। इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। रंजीत सिंह चौटाला ये ऊर्जा मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं और रानिया सीट से हैं। अनिल विज गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, ये अंबाला कैंट सीट से हैं। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा वन पर्यटन सत्कार मंत्री और ये जगाधरी सीट से हैं। मूलचंद शर्मा खान तथा भूगर्भ विज्ञान मंत्री, कौशल विकास एवं औद्योगिक परीक्षण मंत्री, कला व संस्कृत मंत्री, ये बल्लभगढ़ सीट से हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बता दीजिएगा। कोई कमी हो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।